शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है सर्वश्रेष्ठ राजा कौन। कहते हैं राजा मलिक थे, वो प्रजा में बहुत ही प्रिय थे, प्रजा उनको बहुत चाहती थी, सब उनसे प्रसन्न रहते थे। तो वो जब जब अपनी प्रशंसा सुनते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार उनको संकल्प आया कि मेरी कीर्ति राज्य के चारों ओर जो फैली हुई है, मुझे सभी श्रेष्ठ मानते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, क्या मैं सचमुच सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मुझे देखना है। फिर उन्होंने विद्वानों को पूछा तो विद्वानों ने भी कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपका स्वभाव जो है चंद्रमा की तरह उज्जवल है, धवल है, हमें बहुत पसंद है। राजा को यहां भी संतुष्टता नहीं हुई, उसको लगा कि विद्वान जो है मेरे सामने मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं और भी गांव गांव जाकर उसका पता लगाना चाहता हूं। ऐसा सोचकर वो राज्य में भ्रमण करने निकले, गांव गांव में गए, इंक्वायरी किया तो वहां भी उनको यही परिणाम मिला, यही रिजल्ट मिली कि लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, महिमा करने लगे, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, हमें हर प्रकार से संतुष्ट रखते हैं। जैसे जैसे राजा मलिक अपनी प्रशंसा सुनते गए धीरे धीरे वो अंदर जैसे फूले नहीं समा रहे थे, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म अभिमान उनमें आने लगा। जब ये सारी प्रशंसा सुनते सुनते चक्कर लगाते लगाते अपनी राजधानी में लौटने लगे तो सामने राजा ब्रह्मदत्त अपने रथ में बैठ करके जा रहे थे, दोनों के रथ आमने सामने आ गए। राजा ब्रह्मदत्त के रथ के जो सारथी थे उन्होंने राजा मलिक के सारथी को कहा कि आप थोड़ा रथ साइड में करो, क्योंकि मेरे रथ के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुणों के भंडार राजा बैठे। ये सुनकर राजा मलिक ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ गुणों का भंडार तो मैं हूं, मैं कैसे हटूंगा, आपके रथ को आपको हटाना पड़ेगा। जब राजा ब्रह्मदत्त ने ये सुना तो उन्होंने राजा मलिक को प्रश्न किया कि आप कैसे समझते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्यों ऐसा अपने को समझते हो, इसका कारण क्या। तो राजा मलिक ने कहा देखो मैं अच्छे से अच्छा व्यवहार करता हूं, भलाई करने वालों की भलाई करता हूं, और जो बुरा व्यवहार करते हैं, बुराई करते हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार करता हूं, जैसे को तैसा। तब राजा ब्रह्मदत्त ने कहा कि देखो अच्छे से अच्छा तो हर एक चलता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वो है जो बुरे से अच्छा चले, और बुरे व्यक्ति को सही मार्ग दिखावे, उसको मार्ग तक लेके आए, तब उसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ। ये सुनकर राजा मलिक को महसूस हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन। ठीक इसी प्रकार कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन के अंदर चरित्रों को, गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। अच्छे से अच्छा चलना, बुरे व्यक्ति से बुरा चलना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें तो अपकारियों पे उपकार करना है, जो बुरी वस्तु है, जो बुराई करते हैं, उनसे भी भलाई करनी है, और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हमें निमित्त बनना है। इसलिए हम ये संकल्प करें कि हम कर्मों से सर्वश्रेष्ठ बने और दूसरों को भी बनाएं। ओम शांति।